अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन 65। इसके लिए आपको चाहिए चिकन, मेरे पास तो ऑलमोस्ट 750 ग्राम है। उसमें मैंने धनिया, साबुत धनिया जो है कूट के भून के उसको अच्छी तरह बारीक क्रश करके वो डाला है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, 1.5। फिर हमने इसमें लिया है, इसको मैरिनेट करने के लिए चाहिए हमें ये चीज़ें, 1 टीस्पून जो है नमक लिया है, 1 कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच सिरका है, 1.5 टेबल स्पून और ये हमारे पास है इसमें कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 2 टेबल स्पून ये है, और ये है चावल का आटा, 3 टेबल स्पून ये है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बहुत इसको, और इसको अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लगे आपको ये मैरिनेट करते हुए राइस फ्लावर और कॉर्नफ्लावर की वजह से, तो आप इसको हल्का सा बिल्कुल मामूली 2-3 टेबल स्पून के जितना पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से मसाला इसका जो इसमें हमने ऐड किया है ये सब मैरिनेट हो जाए चिकन के साथ, और इसको हम रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। मिक्स हो गया है हमारा चिकन और इसको हम मैरिनेट करेंगे अब 2 घंटे के लिए। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है, इसके लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल ज़रूरी नहीं है, मेरा थोड़ा शायद ज़्यादा हो गया था। डीप फ्राई नहीं करना है हमें इसको, ऑलमोस्ट शेलो फ्राई करना है चिकन को, इसलिए हमने इसको पकौड़ों की तरह एक एक चिकन लेकर उसको हमने फ्राई किया है, और गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको बस इतना ही फ्राई करें, ज़्यादा होगा तो फिर जल जाएगा। थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया था, ये देखें आप, बस इतना ही गोल्डन कलर देना है इसको, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने बाकी भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके चिकन सेपरेट कर लिया है। अब एक पैन में मैंने ऑयल लिया 3-4 टेबल स्पून और उसमें कुछ पत्ते, चंद पत्ते जो है कड़ी पत्ता जो है उसके लिए हैं, उसको हल्का सा क्रैकल कर लिया है ऑयल में। मेरा कड़ी पत्ता थोड़ा गीला था, इस वजह से ज़रा ज़्यादा शोर कर रहा था, और आप अगर खुश्क लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये थोड़ा क्रैकल होने लगा, मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है लेवल के, ये देख लीजिए ध्यान से कि मैंने मैरिनेशन में भी डाला था और इसमें भी डलेगा। अब इसमें मैंने डाली है ये टमेटो पेस्ट, डाला है मैंने 3-4 टेबल स्पून, क्योंकि ग्रेवी जो है वो इन्हीं चीज़ों से बनेगी हमारी चिकन की। 3-4 टेबल स्पून टमेटो पेस्ट था और 3 ही टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस थे जो मैंने इसमें ऐड किया है। इसको हम थोड़ा भूनेंगे और इसमें हम अपने मसाले फिर थोड़ा भून कर फिर ऐड करेंगे। ये इसमें मैंने नमक डाला है 1 ही चम्मच है, क्योंकि चिकन में भी ऐड किया था। ये ज़ीरा पाउडर है, ये पिसी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्चें अगर थोड़ी सी आप ज़्यादा भी कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम, तेज़ नहीं होंगी, क्योंकि इसमें टमेटो पेस्ट और चिली गार्लिक सॉस है, उसकी वजह से थोड़ी सी मिठास आ जाएगी अगर आप कम रखेंगे तो, स्पाइसी नहीं रहेगा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं था इतने में भी, लेकिन मुझे थोड़ी सी फील हुई इसकी मिठास। तो आप अगर थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, स्पाइसी चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद भी डाल सकते हैं चिली पाउडर।
और ये मैंने इसमें पूरा एक कप जो है, एक पाव दही समझें, 250 ग्राम जो है, पूरा एक 250 ग्राम दही मैंने इसमें डाल लिया। अब इसकी बनाई होगी बहुत अच्छे तरीके से, ये थोड़ा टाइम लेगा। बाकी ये मैं, ये जो इसकी ग्रेवी है, इसके बनने में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगते हैं बस, और फिर रेडी है ये बिल्कुल। ये हमारी ग्रेवी भुन रही है ऐसा ऐसा, थोड़ा सा मसाला और भुन जाए फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाली थी साबुत स्लेट लगा के हल्का सा, और उसको मैंने ऐड किया था, 3 हरी मिर्चें ऐड की थी इसमें मैंने। ये इसमें 3 हरी मिर्चें मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर मसाला इसका तकरीबन भुन चुका है, थोड़ी सी कसर जो रह गई है वो भी इसी तरह पूरी करके। मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इस मसाले को कंप्लीट भुनाई के बाद हमने इसमें चिकन ऐड करना है। ये देखें चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है अच्छी तरह से मिक्स करके। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और फिर बस 2-3 मिनट के लिए ही इसको हम दम पे रखेंगे, ताकि इसके चिकन में जो है वो अच्छी तरह से मसाला ग्रेवी का रच जाए और बहुत अच्छा टेस्ट होता है।